नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। आज गुरु पूर्णिमा है और आज के ही दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा आप सभी मित्रों को, मेरा जो वीडियो है थोड़ा लेट से आया है क्योंकि अभी मैं जिस प्लेस में रहता हूँ वहाँ पे थोड़ा लाइट की दिक्कत चल रही थी। तो आज ही के दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था और महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराण और गीता महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों की रचना की है। तो आज के दिन जो पर्व है इसे गुरु पर्व के नाम से मनाए जाते हैं, गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाए जाते हैं। आज के दिन सुबह 7 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक जो भी आप उपाय करेंगे, टोटके करेंगे, इसका फल आपको पूरा प्राप्त होगा। तो आज मैं आप लोगों को 4 सबसे सरल आसान उपाय बताऊंगा, जिस उपाय को अपना करके अपने दरिद्रता समाप्त कर सकते हैं, अपने गुरु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, मुंह मांगी इच्छा है, घर में जो भी समस्या चल रही है उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। और भी खास करके अगर जो लोग विद्यार्थी हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनकी प्रगति हो, तो आप सही वीडियो में आए हैं। तो जानकारी बताने से पहले हर दिन की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल का एक ही मकसद होता है कि भगवान सबका भला करे, सबका कल्याण करे। तो आप शाम के समय में क्या कीजिए, अपने माता पिता को एक स्थान पर बैठा ले, क्योंकि हमारे माता पिता सर्वप्रथम गुरु है, इससे बढ़कर के दुनिया में कोई गुरु हो ही नहीं सकते। तो अपने माता पिता को, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, तो अपने माता पिता को एक स्थान पर बैठा करके 7 बार इसकी आप परिक्रमा करें। 7 बार आप परिक्रमा करते हुए घूमे तो 7 जन्मों का आपके जो भी पाप है वो उतर जाएंगे। हम स्टाम्प पेपर पे लिख के गारंटी दे सकते हैं। और 7 जन्मों तक अगर आप अपने माता पिता का परिक्रमा कर लेते हैं तो इस पृथ्वी में जब भी आपके जन्म होंगे कभी भी आप दरिद्र पैदा नहीं होंगे, यानी कि कभी भी आपको धन की दिक्कत नहीं होगी, कभी भी आप जो भिखारी पैदा नहीं होंगे, हमेशा आप जो है धनवान बने रहेंगे। इस प्रकार के जो उपाय होते हैं आप दुनिया में किसी से भी पूछ ले, नहीं बताने वाले। हमारे चैनल का एक ही मकसद होता है कि भगवान सबका भला करे, सबका कल्याण करे, सरल से सरल उपाय बताते हैं ताकि आप अपने जीवन को सुखमय बना सके। अपने गुरु को आज के दिन अगर आप पेन दान करते हैं, जो लोग विद्यार्थी हैं अपने गुरु को, अपने गुरु नहीं है तो अपने जो ज्येष्ठ जो कि आपके मार्गदर्शन करते हैं उनको अगर आप जो पेन दान करते हैं तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। बिल्कुल ही जिस भी चीज को आप करें तरक्की पाने के लिए, तरक्की निश्चित रूप से पाएंगे। तीसरा, 108 की संख्या में शाम के समय में ध्यान दीजिए तो 108 की संख्या में भगवद गीता का दान करें, इससे पाप मिटेंगे, आपके जन्म जन्मांतर के जो पाप हो भी मिट जाएंगे। स्वयं भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि इससे व्यक्ति को, जो व्यक्ति गीता दान करते हैं इससे व्यक्ति को मुंह मांगा आशीर्वाद मिलता है। आपको धन चाहिए तो धन मिल जाएंगे, पुत्र चाहिए तो पुत्र मिल जाएंगे, मतलब जिस भी आप आशीर्वाद को भगवान से मांगेंगे 108 की संख्या में आज के दिन गीता दान करने के बाद, वो बिल्कुल ही मुंह मांगे आशीर्वाद मिल जाएंगे। धन मांगेंगे धन मिल जाएंगे, संपत्ति वैभव मांगेंगे तो संपत्ति वैभव मिल जाएंगे। और आज के दिन अगर पुखराज खरीद करके कोई भी व्यक्ति पहने लेते हैं तो खास करके गुरु की विशेष कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। जो बृहस्पति देव है इसका रत्न पुखराज है, और अगर आप गुरु को मानते हैं, गुरु की कृपा प्राप्त कर, देखिए जिनके गुरु स्ट्रांग है, प्रबल है, फिर उन्हें जीवन में कभी भी धन की अभाव नहीं होता, किसी भी चीज की अभाव नहीं होता, निरंतर प्रगति की ओर वो चलते जाते हैं, वो प्रोग्रेस करते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति आज के दिन पुखराज खरीद करके चांदी में मड़वा करके, यानी कि चांदी की अंगूठी में भरवा करके पहनते तो बिल्कुल ही तरक्की के हर मार्ग खुल जाएंगे, वह व्यक्ति जल्दी सक्सेसफुल बन जाते हैं। तो आज के दिन वीडियो में हम जितने भी 4 उपाय बताए हैं, 4 उपाय में से कोई भी आप एक उपाय को अपना करके अपने भाग्य उदय कर सकते हैं। तो थोड़ी भी जानकारी अच्छी लगी है मित्रों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों यारों में शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम।